बहुत कुछ सुनाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसा कहा था, मैं उन्हीं संतोषानंद जी की तरफ आपको लेकर चलूं। एक मैं सूचना आपको ये देना चाहता हूं, इस समय सभागार में मेरे बहुत आत्मीय मित्र केतन जी उपस्थित हैं। आप शालीमार बाग से आए हैं, दिल्ली से, और एक ग्रुप चलाते हैं अपना, बहुत फिल्मों को, संगीत को बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी भावना बोल रही है। उन्होंने उस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, द साउंड ऑफ हीलिंग, द हीलिंग कॉर्ड, द हीलिंग सॉन्ग, हीलिंग स्ट्रिंग, और बहुत सारे उनके ग्रुप्स हैं, और बहुत सारे लोगों ने जुड़कर जो उसके सदस्य हैं, संध्या दोषी जी, डॉली नितिन त्रिवेदी जी, वीरेश बाराई जी, उदय भट्ट जी, घनेन्द्र जी, मोहिंदर ठक्कर जी और स्वयं केतन भाई, तो उन्होंने निर्णय किया कि गाजियाबाद में संतोष जी आएंगे तो हम जाएंगे, उनका सम्मान भी करेंगे और एक छोटी सी सम्मान राशि भी उन्हें भेंट करेंगे। तो मैं चाहूँगा केतन भाई आप आ जाओ एक पल के लिए, ये उनके हृदय की भावना के लिए आप इसलिए तालियां बजा दीजिए कि वो शालीमार बाग दिल्ली से आए हैं इस समारोह के लिए। और सत्येंद्र जी आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए ना, बस यही अभी कर लेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ जरा उनके बारे में। और राज भैया आप जरा सहयोग कर दें एक बार, एक पटके के साथ वो स्वागत कर देंगे और साथ में हाँ, मुझे अभी राज भाई ने बताया है कि एक सम्मान राशि, और वो लीजिए पटका भी, वो स्वयं अपना लेकर आए हैं उन्हें उड़ाने के लिए। तो केतन भाई आ जाओ यथा शीघ्रता के साथ, आप आ जाइए। जी संतोष जी का वो सम्मान करेंगे अपनी संस्था की तरफ से, और सत्येंद्र जी आ जाइए, आप भी आ जाइए। और उन्होंने मुझे अभी जानकारी दी है एक 25,000 रुपये की सम्मान राशि वो अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से संतोष जी को भेंट करना चाहते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि जी ये मैंने कहा कि राशि महत्वपूर्ण नहीं है, वो भाव महत्वपूर्ण है। वो दिल्ली में रहते हैं, मेरे पास 4-5 दिन पहले उनका फोन आया था, और उस फोन में उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्या मुझे अनुमति मिल सकती है कि मैं आऊं और संतोष जी का मैं सम्मान करूं, क्या मुझे इसकी अनुमति मिल सकती है। तो मैंने कहा नहीं, आपका ऐसा भाव है तो हम हाँ, नहीं नहीं, वो उनका भाव है। लीजिए मित्रों, मैं अब जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए, एक बार बस छोटी सी एक बात सुन लीजिए मेरी, मैं संतोष जी को बुला रहा हूं तो बस एक बात कहते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उन्हें। एक बार अकबर ने पूछा था तानसेन से, ध्यान से सुन लें आप मेरी बात को, एक फोटो भी खींच लीजिए, और कि तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में तुमसे अच्छा कोई भी नहीं गाता। तो तानसेन ने कहा था कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं सबसे अच्छा नहीं गाता, मेरे गुरु हरिदास मुझसे भी बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो अकबर ने कहा ठीक है, उन्हें हमारे दरबार में बुलाओ, हम उनका गायन सुनना चाहते हैं। तो उनका वो दरबार में नहीं आएंगे, सुनना है तो उनकी कुटिया पर जाना पड़ेगा। अकबर बताते हैं कि गया तानसेन के साथ वहाँ पर, तो उन्होंने कहा अब सुनवाओ, बोले कि नहीं अभी भी नहीं सुनाएंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन रात का पहर आ गया, और ब्रह्म मुहूर्त में जब हरिदास ने अपना सुर लगाया तो भाव विभोर हो गया अकबर। उसने कहा कि जीवन में इतनी बार सुनाए, लेकिन तानसेन तुम ठीक कहते हो कि तुम्हारे गुरु तो तुमसे भी 100 गुना अच्छा गाते हैं, तुमसे भी 100 गुना अच्छा गाते हैं, तो ये क्या क्या चमत्कार है। तो जो कहा तानसेन ने वही संतोषानंद जी की भूमिका है, वही उनकी भूमि है। तानसेन ने कहा कि मुझ में और मेरे गुरु में इतना अंतर है कि मैं आपके कहने पर सुनाता हूँ, वो उसके कहने पर सुनाता, उसके कहने पर सुनाता।
तो वो रचनाकार जिसके तार कहाँ तक जुड़े, कितना मैं बताऊं आपको, ऐसे असंख्य गीत हैं। आप जानते हैं कि जिंदगी के ना टूटे लड़ी संतोषानंद ने लिखा, आप जानते हैं चना जोर गरम उन्होंने लिखा, आप जानते हैं कि ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा ये भी उन्होंने लिखा, मोहब्बत है क्या चीज़ ये भी उन्होंने लिखा, ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, गुलशन कुमार ने भी उनको फिल्मांकित किया। लेकिन मुझे अभी पता लगा दो तीन गाने और, मेघारे मेघारे ये भी उन्होंने ही उनका ही लिखा हुआ है, लता जी ने गाया। और आज ही मैं गुनगुना रहा था एक गीत उनका, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बड़े गीतकार, और दूसरी बात बताता हूँ ये भी सुन लीजिए, क्योंकि आज संतोषानंद जी के नाम ये समारोह है। फिल्म में इतनी सारी चीज़ें उनकी लोकप्रिय हो गई, ये शायद बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन फिल्म के साथ साथ इल्म में भी धमाल मचाने का करिश्मा, ऐसे बहुत रचनाकार हैं जिन्होंने फिल्मों में लिखा लेकिन उनसे कहा गया कि जनता में आओ माइक पर आओ, तो उन्हें प्रस्तुत करने की कला नहीं आती थी, उन्होंने फिल्म में भी चमत्कार पैदा किया। और इस देश में लाखों लोगों के बीच वो भी समय रहा जब संतोषानंद ने, लाल किले का कवि सम्मेलन होता था तो सारे कवियों के नाम लिखे जाते थे और फिर नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था इस वर्ष पधारने वाले कवि ये और आएंगे आपके लाडले संतोषानंद, आपके लाडले संतोषानंद। वर्षों तक लाल किले ने वो जलवा देखा। आनंद बख्शी का एक इंटरव्यू मैंने टेलीविजन पर अचानक देखा था, तो ये वाक्य सुन लीजिए आप। आनंद बख्शी साहब से पूछा उसने कि आपको क्या लगता है कि जीवन में क्या कमी रही, क्या और होना चाहिए था, तो ये आनंद बख्शी ने कहा टेलीविजन के इंटरव्यू में कि बस एक ही कमी रही कि जैसे गीत संतोषानंद जी ने लिखे मैं अपनी जिंदगी में वैसे गीत नहीं लिख पाया, जो संतोष जी ने लिखा मैं ऐसा लिखना चाहता था। ऐसे संतोषानंद हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन, मैं मान लूंगा कि पूरा गाजियाबाद यहां बैठा है, आगे से पीछे तक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप आमंत्रित कीजिएगा आदरणीय संतोष। संतोष जी के गीतों पर कुछ बच्चों ने डांस किया था, तो उन बच्चों को भी राजभाई कह रहे हैं कि आप आ जाओ बेटा, एक साथ आ जाओ, संतोष जी के साथ आपका चित्र भी खिंच जाएगा, एक याद भी हो जाएगी आपके लिए, और उन बच्चों को कुछ उपहार भी दिलवाया जाना है, तो वो उपहार भी हमारे राजभाई दिलवाएंगे। ये ले लो सब, ये सब ले लो, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज ज्ञानी ध्यानी पवन शिला जी मुझे बहुत दिन बाद मिले हैं, और बड़ा हमारा इनका दो तीन बार साथ रहा है, अच्छा लगा। अतुल गर्ग जी, मैं मजाक चाहे कुछ भी करूंगा आपसे प्यार बहुत करता हूँ,
मजाक कर, आपके पिताजी से तो मेरा बहुत ज्यादा था, और बॉम्बे से कई बार हम लोग हवाई जहाज में साथ साथ आए, तो कभी कभी हम भूल भी जाते थे, तो बोले पहचाना नहीं। अरे मैंने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया, मेयर साहब वहाँ बैठी हैं, आज मैं इनकी गाड़ी से बच गया, मेरे सामने ये मेरी ये व्हील चेयर लेके जा रहे थे, इनकी गाड़ी आ गई पै पै पै। अरे मैंने कहा कौन है भाई, तो बहुत दूर तो ये निकल के आई हैं, आपने बचा रहे थी, मैं आपकी बहन हूँ, इनका प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपका ये टक्कर मार देता, आज तो दूसरी भी गई थी। हाँ तो अब ये है, मुझे राज कौशिक जी ने सबसे पहले फोन किया, मैंने कहा भाई अब मैंने कभी सम्मेलनों में नहीं जाता हूँ, और वाकई कह रहा हूँ, कारण है अब नए लड़कों को आना चाहिए, नए कवि हैं उनका, अब मैं तो सीखने की मेरी आदत है, नए लड़कों से टीनेजर्स से मिलता हूँ मैं, उनके विचारों को समझता हूँ, तो मेरे प्रवीण तो प्रवीण अब से थोड़ी देख रहा हूँ, ये निक्कर में घूमता था और मैं इसको साथ, ऐसा ही है बस। तो अब इन्होंने, मुझे आज भी ये पता नहीं था कि कवि सम्मेलन है, क्योंकि अब मैं रेट रेस में तो हूँ नहीं साहब, कहीं जाता हूँ अब तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के वो लोग मुझे मेरी गीत सुना देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी मुझे वो राशि धन दे के वो मुझे भी प्रसन्न कर देते हैं। अब कल सिन्हा साहब, मैं आपको बताऊं, एक साथ तबीयत खराब हुई है, तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी आ सकती है, किसी पे कभी भी जा सकती है, तबीयत तबीयत है साहब। अब कल खराब हो गई, अब हमने कहा भाई वो ये डॉक्टर, अब डॉक्टर के पास जा सकते हैं और किसके पास, आजकल तो वैद्य भी जो है डॉक्टर लिखते हैं, वरना उनका जो है भाव गिर जाए, बताइए अंग्रेजी जो है उत्थान की चीज मानी जाएगी, नहायत घटिया भाषा। मैं तो विदेशों में भी आता हूँ सिन्हा साहब, एयरपोर्ट पर गर्व होता है मुझे अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में, और तेरे बात करनी है सामने वाले को तो मेरी भाषा में बात कर, नहीं तो हम आंखों से बात कर लेंगे, इसमें तो हम बहुत चतुर हैं, आंखों से बात करना जानते हैं, उंगलियों से बात करना जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, वह ये नहीं जानते हैं कि हम आपको पहचानते नहीं हैं ना आपने हमको पहचाना। हाँ ये पहचान क्या है, प्यार है बस, आपने मुझे प्यार दिया, मैंने आपको प्यार दिया, जिंदगी अच्छी कट गई, ये बहुत जरूरी है, इसी के चक्कर में उम्र बीत गई, अब खेल खत्म पे है, थोड़ी बहुत देर बैठूंगा मैं आपके बीच में, आज मैं गा नहीं पाऊंगा सस्वर, क्योंकि कल जो वो दवा ली उसने और मेरा, चौबे जी गए थे छब्बे जी और दुबे भी नहीं रहे, बिल्कुल ही बैठ गया। अब मैंने कहा क्या करूं, फिर वो मेरी बिटिया है शैली और ये प्रवीण, उन्होंने कहा नहीं थोड़ी बहुत देर बैठ के चले आना, अब ये थोड़ी बहुत देर है, अब तो गाजियाबाद में आना ही बड़ा मुश्किल है, मैं 5:30 बजे का चला हूँ पवन जी, और यहाँ पहुँचा, अब यहाँ पहचान नहीं आए, कहाँ हूँ मैं हूँ कहाँ, रघुपरे की पैठ में मैं किसका फूफा रे, मैं तलाश रहा हूँ कहाँ हूँ मैं, तो बस साहब उसके बाद में यहाँ आ गए, अब प्रवीण भी तो पूरे हैं, पूरा नींबू निचोड़ते हैं,
मैंने राजकौशिक जी से भी कहा, कुंवर बेचैन जी से भी कहा, भैया मैं तुम्हारी काली हूँ, बख्श दो मुझे, मुझे जल्दी से निकाल दो। हाँ हाँ चाचा जी अभी करता हूँ। एक एक रचना पढ़वा के बस। अब वो रचना क्या है, ये है मुझे बच के जाने दी, बैठा हूँ साहब। अब कहाँ से शुरू करूँ, बोला मुझ पर जा नहीं रहा, लेकिन आपके बीच में आया हूँ तो ऐसा तो है नहीं। आज भी मुझे याद है मोहन चित्रलोक, यहाँ पर एक सिनेमा हॉल होता था, उसमें एक कवि सम्मेलन हुआ था और ये गीत आया ही आया था, और मुझे ये पता नहीं कि ये गीत लोकप्रिय हो गया है। वहाँ सबने मुझसे कहा कि आप वो सुनाइए, और सबने खड़े होकर सुनाई। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है 70-71 की बात है। एक प्यार कर हुआ है ये, सबसे पहले गाजियाबाद में पड़ा यहीं इसका। तो बहुत सारी बातें हैं, बातें ही बातें हैं और कुछ नहीं। दिन भी जा चुके हैं, रातें भी जा चुकी हैं, कुछ दर्द लिए, खुशियां भी आई तो दर्द को लेके, लेकिन हम दर्द में भी मुस्कुराते रहे, मुस्कुरा के जीवन जिया। और सबसे कहा जिंदगी जीने के लिए है, जियो भरपूर जियो, जिंदगी का नाम ही है जीना, जीवन। और दरअसल बात तो ये, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु तो आ रही है अवश्य मांगी है, ये फिल ऑफ द ब्लैंक है, इसे आप जैसे चाहें भर लीजिए, खराब भरिए अच्छा भरिए, लेकिन मेरी कोशिश है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, अच्छा भरिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये जिंदगी मजा देगी। खैर दो लाइनें पढ़ता हूँ, अगर मैं सरसौर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो ये मैं समझिए मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं ठीक होकर फिर आऊंगा। ये है ना जीवन, कि तुम्हें से प्यार करता हूँ, तुम्हें से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ, आखिरी वक्त है इम्तहान देने आया हूँ। यार क्या करूँ, गाया जा नहीं रहा, और मैंने सारे गीत में बिना गाए पढ़ता नहीं, मेरी आदत है, अब नहीं नहीं गा कोशिश करता हूँ। चाचा जी धीरे स्वर पे गाने का प्रयास करिए, सब साथ हैं आपके साथ। हाँ एक गीत हाँ कर लेंगे, कर लेंगे, जिंदगी भर माई की उन्होंने सेट किया। मैं एक आधा पढ़ूंगा फिर मुझे आप आज्ञा दे दीजिएगा, मैं बहुत देर का आया हुआ हूँ, मेरे बहुत से कर्म हैं जो रुके हुए हैं, उन्हें भी पूरा कर रहा है। जो प्यार कर गए, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, हाय हाय वाह वाह वाह, कर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए गुलशन के फूल फूल पर
शबनम की बूंद से गुलशन के फूल फूल पर शबनम की बूंद से हंसकर बिखर गए वो लोग और थे जो प्यार कर गए। बूंद बूंद से घट बढ़ता है, ऐसे ही टुल्लू से मत बैठो, कविता सुनने की कमी भी डाल हाथ हाथ हिलाओ। कर गए वो लोग और थे, मरते रहेंगे हम पे वो जीने की चाहनी, मरते रहेंगे हम पे वो जीने की चाहनी, कहकर मुकर गए। वाह वाह हाय हाय क्या बात है। कहकर मुकर गए वो लोग और थे जो प्यार कर गए, वो लोग और थे। आपको खड़ा कर दें, ये दो लाइन सुना के आप देखिए। वो हुस्न के गुरूर में पर्दा किए रहे, वो हुस्न के गुरूर में पर्दा किए रहे, बेमौत मर गए वो लोग। प्यार कर गए हाथों में हाथ बांध के संतोष रह गया, हाथों में हाथ बांध के संतोष रह गया, कुछ कर गुजर गए वो लोग और थे। कर गुजर गए लोग और थे। एक बार पूरा सदन जरा हाथ उठा के ताली। आप लोगों ने मेरा आना सार्थक कर दिया, वरना मुझे पता है मैंने क्या किया है। मैं सच कहता हूँ, मुफ्त का पैसा लेके जाके कभी कभी, आज तो खैर मैं सम्मान कराने आया हूँ, आज का तो मैं लेके जाऊँगा, लेकिन कवि सम्मेलन में अगर मान लो थोड़ा भी अब मैं संतुष्ट नहीं हुआ अपने आप, हाँ सही बात, तो फिर ये लगता है घर जाके यार हराम का पैसा लाए, कसम से कहता हूँ, ये लगता है तेरे में तेरी तपस्या में तेरी मेहनत में। आप बात नहीं करेंगे भैया, दादा पीठ, हाँ बहुत अच्छे, बड़ी कृपा तेरी, लेकिन तू जो है अब ज्यादा हिले डुले मत। चाची फकीरी फकीरी सुना, करना फकीरी, करना फकीरी चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो सुना। आज मैं सोचता हूँ अबला रहे वो राजे, हाँ हाँ वो सुना दी, ये बड़ा पुराना गीत है मेरा, लेकिन बहुत, बहुत अभी भी ऐसा ही है, बहुत अद्भुत गीत है, अद्भुत। अब न रही वो रांझे, अब न रही वो हीर, जमाना बदल गया, अब न रही वो रांझे,
अब न रही वो हीर जमाना बदल गया, दुनिया कुछ से कुछ बन बैठी, हम तो रहे फकीर जमाना। फकीर वो नहीं जो कटोरे वाला होता है, फकीर होता है दुनियादारी को अपने ठेंगे पे, मतलब किसी की परवाह नहीं करता है, वो होता है। दुनिया कुछ से कुछ बन बैठी, हम तो रहे फकीर, जमाना बदल गया। लाइन सुनना साहब। प्राणों में अंगार भरी है, प्राणों में अंगार भरी है, हम अपने से खूब लड़े हैं, साज मिला आवाज खो गई, ताज बना मुमताज सो गई, ताज मिला आवाज खो गई, ताज बना मुमताज सो। लाइक देखेंगे। एक हमारे एक हमारे पास बची है यादों की जागी, जमाना बदल गया अब न रही वो रानी, अब न रही वो हीर, जमाना बदल गया। ये रस्में ये खाम ख्याली, ये रस्में ये खाम ख्याली, सूख गई मन की हरियाली, उनके आंगन रोज दिवाली, हमने उम्र हवन कर डाली, रोज दिवाली हमने उमर हवन कर डाली। तो अरमानों के पाँव पड़ी है पीड़ा की जंजीर, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया अब न रहे रानी। जीवन बना महाभारत है, जीवन बना महाभारत है, सांसों पर बैठा जयद्रथ है, लेकिन कहाँ सत्य का रथ है, झूठी कसमें झूठा व्रत है। तो ना केशव का पांचजन्य है, ना अर्जुन के तीर, जमाना बदल गया अब न रही वो रानी, अब न रही वो हीर, जमाना बदल गया। नहीं निराला कुछ कर पाया, नहीं निराला कुछ कर पाया, ना गालिब ने महल बनाया, निराला कुछ कर पाया, ना गालिब ने महल बनाया, औरों के दुख को अपनाया, तब कविता का छंद सजाया। तो आंसू के घर रहन पड़ी है शायर की तकदीर, जमाना बदल गया अब न रही। वाह वाह वाह। आखिरी वक्त दे रहा हूँ। मेरे पिताजी भी खाला बदोश ही रहे, मैं भी खाला बदोश। कि बंजारे थे बंजारी हैं,
बंजारे थे बंजारे हैं, गर्दिश में टूटे तारे हैं, आवारा हैं नाकारे हैं, लेकिन कभी नहीं आवारा हैं नाकारे हैं, लेकिन कभी नहीं हारे हैं। तो हाथों पे खुद रच डालेंगे कोई नई लकीर। वाह वाह, एक बार जरा संतोष जी को बताइए कि आप क्या मोहब्बत देते हैं उनको। हो गया गाजियाबाद ना रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़ कर, हो जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी। नगमा एक बंद नगमा का सुना के देख नहीं जरूर, एक प्यार का नगमा। हाँ धीरे धीरे नहीं नहीं खड़े होके सुनो और आप मेरे साथ गाओ, ये होगा मजा तब भी आएगा। बहुत ज्यादा डॉक्टर ने तो हमको बिल्कुल वो कर दिया, दवाई लेके आया हूँ और कल भागना है मुझे, फिर अब तो ये भागमबार हो रही है सिन्हा साहब, मैं क्या करूँ। अच्छा है भागते भागते भाग ही जाऊँ। अच्छा एक चीज हो रहा ना, सबका कौन है वही कोरोना, इसका जो नाम खौफ पैदा करता है, पर मैं भी जता हुआ हूँ कि नहीं तुझसे लड़ूंगा, देखिए अभी तक तो मैं ठीक हूँ और मैं टीके से घबराता नहीं, लेकिन जब तक चल रहा है जरूरी क्या है, टीका यहाँ का लगवाए क्या लगवाए। एक प्यार का नगमा है, एक बंदा पड़े प्यार का नगमा है, मौतों की जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं है, एक प्यार का नगमा है, पागल होना है कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब हो आना जीवन से, एक उम्र चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, धार है नदिया की, मैं तू भाग है नदिया की,
प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तो प्यार का नगमा है, ओ उनका शॉल उड़ाकर पटके के साथ सम्मान करें, उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान करें, और मैं केवल ये कहूँगा कि हो सका तो फिर मुलाकातें करेंगे, बैठकर दो चार पल बातें करेंगे। उत्थान समिति की ओर से जिन बंधन और सम्मान पत्र प्रतीक चिन्ह उन्हें प्रदान करें, लीजिए ये देखिए। मैं चाहूंगा कि सत्येंद्र जी हमारे बड़े भाई अंतिम कविता पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग यहाँ पर आए और धन्यवाद अनुपल पढ़ाया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।